आज हम एक ऐसा धांसू ट्रिक और धांसू टिप्स लेकर आए हैं। ये ऐसा कहें कि एक न्यू ट्रिक है जहां पर बिल्कुल फ्री यानी जीरो रुपीज में गूगल प्ले रेडिंग कोड, गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड कोड अर्पित मुझे बताया है। अर्पित ने बोला है कि आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, प्ले स्टोर को ओपन करने के साथ ही आपको रिडीम कोड मिल जाएगा। तो मैंने अर्पित जैसे बोला कि प्ले स्टोर को ओपन कर लो, तो मैंने भी प्ले स्टोर को ओपन कर लिया, आप भी कर लीजिएगा। फिर अर्पित ने बोला कि ऊपर प्रोफाइल का बटन है, यहाँ पे कर लीजिएगा क्लिक, तो मैंने भी कर लिया, आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अर्पित ने बोला पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन पे जाना, तो मैंने बोला कि ठीक है भाई पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन पे चले जाएंगे, भाई आप भी यहीं पे क्लिक करना। उसके बाद मेरे भाई अर्पित ने बोला कि आपको इसके बाद पेमेंट मेथड पे चले जाना है, तो मैंने अर्पित से बोला कि क्यों भाई पेमेंट मेथड पे क्यों जाना है, क्यों नहीं रिडीम गिफ्ट कार्ड कोड पे जाना है। तो बोल रहा है अर्पित ना कि जो अगर आप इस पे जाओगे ना तो जो रिडीम कोड है वो जल्दी से रिडीम नहीं होता है, और जो उसमें आता है कि इंडिया का प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, इसीलिए पेमेंट मेथड पे जाना। तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है भाई। तो उसके बाद उसने बोला कि उसके बाद देखो नीचे रिडीम कोड क्या करके ऑप्शन आया हुआ। तो मैंने बोला अर्पित भाई ये तो रिडीम कोड का हमेशा दिखता है, तो बोला है कि भाई यहाँ पे करोगे ना तभी जाके रिडीम होगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो भाई हम एक बार रिडीम करके देखते हैं, तो ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि इस कोड को ऐसे ही करके सेम टू सेम एज इट इज जैसे है ना वैसे हमने पेस्ट कर दिया, और उसके बाद देखिए जैसे रिडीम का जो बटन दिख रहा है ना मैंने यहाँ पे बस ऐसे ही करके बस यहाँ पे क्लिक कर दिया। और उसके बाद देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने पे बोला है यू हैव ऑलरेडी रिडीम दैट कोड, यानी ऐसा करके बोल रहा है। तो फिर अर्पित ने बोला कि जब ऐसा दिक्कत आता है ना तो इसके लिए फिर से बैक बटन को प्रेस करते हैं, और बैक बटन को प्रेस करने के साथ ही आपको अब और बैक बटन को प्रेस करना है, उसके बाद रिडीम गिफ्ट कार्ड कोड पे जाना होगा। तो मैंने अर्पित से पूछा भाई अब यहाँ पे क्या, यहाँ पर तो वो कोड एक बार काम कर लिया, तो इस पर दूसरा कोड मेरे को कहाँ से मिलेगा। तो अर्पित ने मुझे फिर से समझाया और फिर से बोला कि इसके लिए अब फिर से भाई आपको जाना होगा दूसरी साइट पे, अब दूसरी साइट जो मैंने लेकर आया है वहाँ पर आपको जाना होगा, अर्पित ऐसे बोला। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है भाई, तो चलो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे करके जाएंगे। तो अर्पित ने बोला कि मैं अपने मोबाइल में ये जो नीचे वाला जो मेन मेन्यू है ना यहाँ पर हम क्लिक किए थे, तो मैंने अर्पित से बोला भाई इसे क्लिक करने से क्या फ़ायदा है, तो बोला कि क्लिक करो ना भाई, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। फिर अर्पित ने पूछा और बोला कि भाई ये क्रोम ब्राउज़र जो आपके सामने जो लगा है इसका उपयोग करते हो क्या, मैंने बोला कि हाँ करता हूँ। तो बोला कि इस पर क्लिक करके थ्रेड पे क्लिक कर लो, मैंने बोला कि भाई ये थ्री डॉट पे क्लिक करके न्यू टैब पे आखिर क्यों क्लिक करना है। अर्पित ने बोला कि जब क्लिक करोगे तभी जाके यहाँ पे नया सर्च आएगा, उसके बाद जाके तभी जाके वो रिडीम कोड काम करेगा। तो मैंने अर्पित से बोला कि अर्पित ये आखिर कैसे काम करेगा, तो उसने बोला कि आप जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे वैसे करना, तो भाई जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी करना है। अब यहाँ पर जाने के बाद उसने बोला कि वो जो एप्लीकेशन है ना वो एप्लीकेशन जो साइट है वो डोनेट टीम की है, और अर्पित बोला कि यह जो डोनेट टीम की जो साइट है ना वो 100% काम वाली साइट होती है, यहाँ पे जो भी कोड होते हैं 100% वर्किंग करते हैं। तो हमने कहा कि वो कैसे करके सर्च करेंगे, तो अर्पित ने बोला कि जैसे हम बता रहे हैं वैसे करके तुम न क्या कर रहा ना तो वैसे ही करके टाइप करना। तो भाई जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे करके आप भी यहाँ पर टाइप करना, ठीक है। तो देखो स्पेलिंग को DONATE, ठीक है डोनेट लिख देना, उसके बाद देखिए उसके बाद लिखना टीम TEAMS, बस डोनेट टीम्स ऐसे लिखने के बाद बस सर्च का बटन जो आपके सामने नीचे मोबाइल में ऐसे कोने में नहीं दिखता है इस वाले बटन पे बस ऐसे क्लिक कर देना। अब मेरे भाई उसने बोला कि यहाँ पर डोनेट टीम ऐसे करके आपके सामने दिखेगा ऊपर और इसमें रिडीम कोड दिखेगा, तो भाई कहा कि भाई लाजवाब ये तो मिल गया मेरे को दिख रहा है। अब फिर से बोला अर्पित ने कि भाई यहाँ पे जाओगे तो क्या तुरंत ही मिल जाएगा, हमने उससे अर्पित से पूछा, अर्पित बोला कि नहीं भाई यहाँ पे जाना है, पहले यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या मिलेगा कि ऊपर कुछ ब्रेकिंग ट्रिक मिलेंगी जहाँ पर नए नए कोड अपडेट किए जा रहे हैं इसमें, तो इस पर क्लिक करके आप रिडीम कोड ले सकते हो, नहीं तो नीचे ना फ्री फायर का रिडीम कोड है ना इसमें भी बहुत सारे रिडीम कोड है, और उसके नीचे गूगल प्ले का रिडीम कोड है तो इसमें क्लिक करोगे। तो मैंने भी बोला कि अच्छा भाई तो हम यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद हम यहाँ पे जाकर देखते हैं। तो अर्पित ने बोला ना कि भाई देखो ध्यान से करना, नहीं तो काम नहीं करेगा तो फिर बाद में बोलोगे कि नहीं हो रहा है। फिर अर्पित ने मुझसे बोला कि जो यहाँ पर जो रिडीम कोड है ना इसको क्या करना है, सिंपल सिंपल ऐसे करके कॉपी करते चला जाना, ठीक है, और कॉपी करने के बाद फिर से जो नीचे वाला जो बटन है इस पर क्लिक करते चला जाना, और फिर से प्ले स्टोर को ओपन करना और जो रिडीम कोड इस बार जो बताए हैं यहाँ पे चले जाना, और जाने के बाद इसके बाद इस कोड को ऐसे करके ज़ोर से लॉन्ग प्रेस करना, यानी यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट का बटन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना, दो बार बैक करना, उसके बाद रिडीम करके देखना,
और भाई ये देखो यहाँ पर 100 रुपए का रिडीम कोड आपके सामने देखो कंफर्म हो रहा है, दिख रहा है ना, 100 रुपए का जो रिडीम कोड है वो बिल्कुल कंफर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो ये 100 रुपए को कंफर्म हो जाएगा तो उसने बोला कि जो रिडीम गिफ्ट कार्ड पे क्लिक किया हो ना तो ये कंफर्म नहीं हो पाएगा, उसने मुझे पहले भी बताया। तो मैं इसको कंफर्म करके आज देखता हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। अर्पित बोला कि भाई ये हो जाएगा, तो मैंने इसको बोला कि अच्छा ठीक है देखते हैं। तो मैं ये इसको कर रहा हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुड नॉट रिडीम दिस कोड कैन ओनली बी यूज्ड इन इंडिया सी गिफ्ट कार्ड टर्म ऑफ सर्विस। ये बोल रहा है कि यह कोड सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही प्रयोग होगा। तो भाई ये बात तो मैंने भी सोच सोच के बहुत परेशान हो गए, भाई हम तो इंडिया में ही हैं और उसके बाद जाके यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रिडीम कोड है वो काम नहीं करेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसने बोला कि इसको ऐसे मत ट्राई करो, इसको बैक करो और बैक करने के बाद जो पेमेंट मेथड है ना यहाँ पे चले जाओ और जाने के बाद ना उसके बाद जाके यहाँ पे रिडीम कोड वाले जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करके और उसके बाद कोड को लिख करके रिडीम कर लें। तो मैंने बोला कि अच्छा भाई ठीक है तो हम दूसरे कोड को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने फिर से क्या कहे कि चलो हम अब चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे। तो अब हम लोग फिर से चले आ गए, ठीक है ना, वहीं पर अपनी जगह पे। तो बोले कि चलो पहला कोड तो वहाँ पे बोल रहा था, दूसरे कोड को हम लोग ट्राई करते हैं क्या यह रिडीम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं फिर से प्ले स्टोर को ओपन किया और रिडीम कोड पे मैंने क्लिक किया जैसे अर्पित ने बताया था। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई हम लोग ट्राई करते हैं क्योंकि मेरा काम ही है ट्राई करते रहना और सभी लोगों को दिखाना। फिर से उसने बोला कि रिडीम कर देना भाई। तो मैंने यहाँ पे रिडीम किया तो फिर से बोला है कि 10 रुपये रिडीम हो रहे भाई, कंफर्म कर लो। तो मैंने कंफर्म किया तो कंफर्म करने पे यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि कुड नॉट रिडीम दिस कोड कैन ओनली बी यूज इन इंडिया, यानी बोल रहा है कि सिर्फ इंडिया में ही प्रयोग हो रहा। भाई हम तो इंडिया के ही हैं तो क्यों नहीं रिडीम हो रहा है। तो फिर से हमने कहा कि भाई उसने फिर से अर्पित ने बोला कि भाई ये अब ये झंझट तो मेरे में भी अब इस समय आने लगा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अर्पित ने फिर से मुझे बताया कि इसमें जो ये सभी कोड है ना ये कोड जो है ना बार बार करके अपडेट हो रहे, जैसे ये कोड है इस कोड को ट्राई करो, जब वो दोनों कोड काम नहीं करे तो दूसरे कोडों को ट्राई करो और ट्राई करते रहो ऐसे करके हमेशा ही ट्राई करते रहो। और जब रिडीम कोड ना तुरंत रिडीम हो जाए ना भाई तो तुरंत रिडीम कर लेना, ठीक है। तो ऐसे ही कंफर्म आप लोग भी करते रहो, जब कंफर्म हो जाए जब कंफर्म हो जाए जिसमें कंफर्म हो जाए धड़ल्ले से कंफर्म कर लो, यानी सभी लोगों में ये एरर नहीं दिख रहा है, कुछ स्पेशल ईमेल है ये जीमेल में ही दिख रहा है। तो अर्पित बोला कि ऐसे करके आपको हर रोज़ ट्राई करते रहना है, जैसे आप यहाँ पे ट्राई कर रहे हो ना ऐसे हर रोज़ ट्राई करना है और ट्राई करते करते आपको रिडीम करना ही करना है। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है भैया हम तो आज रिडीम कर ही रहेंगे, फिर से 10 रुपये रिडीम हो रहा है। तो अर्पित ने बोला फिर से कंफर्म करो, मैंने बोला कि भाई ओ माय गॉड ये बार बार यही दिक्कत आ रहा है, अर्पित बताओ यार ये कैसे होगा, मुझे अपने व्यूअर को बताना है, जितने मेरे व्यूअर हैं ना वो सभी के सभी लोग परेशान हो गए हैं इसको उसको, उन लोगों को ये चाहिए कि आखिर ये कैसे हो रहा है। उसको मैंने बोला कि इसमें जाओ और फिर से रिडीम कोड वाले बटन पे क्लिक करो और जो जो कोड काम करेगा उसको रिडीम कर लेना, और नहीं होगा ना तो यहाँ पर पहले ही बोल देगा दैट कोड डिड नॉट वर्क ट्राई अगेन दिस स्पेसिफिक ऐप फॉर द फलांट करके क्या क्या इसमें बोला, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस कोड को हम लोग ट्राई करने के लिए 2 to 4 ऐसे करके 1 0 को हम लोग हटा देंगे और उसके बाद यहाँ पर देखो एक और कोड हम लोग के पास आ गया है, कन्फर्म कि हम लोग इसके बटन पर क्लिक करते हैं। माई गॉड ये बोला है कुड नॉट रिडीम बिकॉज दिस कोड कैन मे, तो ये भाई ये इतना अलग अलग करके। फिर से हम लोग क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। अब इसके बाद हम लोग करते हैं कि चलो हम लोग नेक्स्ट कोड का प्रयोग करते हैं, जो इसमें भी ये है और इसमें भी है, जो अभी हमने कोड कुछ टाइम पहले प्रयोग किया था ना वो इसी कोड का ही उपयोग किया था। उसके बाद मैंने प्ले स्टोर को ओपन किया था और फिर से रिडीम कोड को मैंने बटन पे क्लिक किया था और फिर से इस कोड को मैंने यहाँ पे ऐसे करके पेस्ट किया था, थोड़ा सा कट बटन पे क्लिक किया था, रिडीम के बटन पे मैंने क्लिक किया था और यहाँ पे बोल रहा है कि यू हैव ऑलरेडी रिडीम दैट कोड। भाई मतलब जो कोड काम कर रहे हैं ना तो वो कोड काम कर रहे हैं और जो कोड काम नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो भाई लगे रहो जब फ्री का माल मिल रहा है तो छोड़ क्यों रहे। जब यहाँ तक हम लोग को मिला तो उसके बाद मैंने बोला कि अर्पित क्या इसमें और भी रिडीम कोड है, तो अर्पित बोला कि भाई नीचे चले जाओ और नीचे जाओगे ना तो और भी कोड है उनको भी ट्राई करते रहो, यानी पूरे दिन जितना आपको टाइम मिले उसमें जाके बस रिडीम कोड को कॉपी करते रहो रिडीम करते रहो। मैंने बोला क्या इसमें का सभी के सभी कोड काम करेगा, अर्पित फिर से बोल रहा है कि भाई काहे नहीं काम करेगा सभी के सभी रिडीम कोड काम करेगा। मैंने बोला कि ठीक है मैं फिर से प्ले स्टोर को ओपन कर रहा हूँ
तो मैंने फिर से प्ले स्टोर को ओपन कर दिया। फिर अर्पित बोला कि रिडीम कोड पे बटन पे क्लिक करो। मैंने बोला ठीक है, क्लिक करो। फिर उसने बोला कि इस पे यहाँ पे कोड को लगा दो और फिर उसके बाद जो रिडीम का बटन है इस रिडीम वाले बटन पे क्लिक कर दो। तो मैंने बोला भाई यहाँ पे बोले यू हैव ऑलरेडी रिडीम दैट कोड। भाई मैंने इस रिडीम कोड को रिडीम ही नहीं किया है तो क्यों बोला है यू हैव ऑलरेडी रिडीम दैट कोड। तो अर्पित ने मुझे बताया कि ये जो रिडीम कोड है ना ये किसी ने पहले रिडीम कर लिया है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो भी रिडीम कोड आता है ना आप हमेशा ट्राई करते रहो, यानी ट्राई करते रहो, जो जो रिडीम कोड काम कर ले रहा है उसे तुरंत तुरंत रिडीम कर लो। और ऐसे करके अर्पित ने मुझे बताया, तो मैं अर्पित को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और थैंक यू बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई आप लोग भी जितने लोग मेरे को देख रहे हो भाई, अर्पित को जाकर तुरंत तुरंत फॉलो करो। अब अर्पित की जो चैनल का जो लिंक है वो उसका नाम है माई एस के सर ब्लॉग्स, ठीक है ना। तो उस पर आप जा करके तुरंत तुरंत क्या करो कि तुरंत तुरंत जाके तुरंत तुरंत रिडीम करो, ठीक है ना भाई। देखो इतने सभी रिडीम कोड काम कर रहे हैं, अब इसमें का अगर काम नहीं कर रहा है तो दूसरा अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। आपको क्या करना है कि आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद मेन मेन्यू पे यहाँ पे चले जाना है, होम बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आपने होम बटन पे क्लिक किया, अब आपके सामने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि फ्री फायर के अंदर जो रिडीम कोड है वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक किया बस आपको थोड़ी बहुत नीचे स्क्रॉल करनी। अब जैसे आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है ना मेरे भाई, आपके सामने यहाँ पर फ्री फायर का रिडीम कोड दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारे यहाँ पर फ्री फायर का रिडीम कोड दिख रहा है, अभी दिख रहा है जो दिख रहा है अलग अलग करके बहुत सारे रिडीम कोड है, जिसको सिंपली बस कॉपी करना है और कॉपी करके तुरंत तुरंत रिडीम कर लेना है। भाई देखो इतना लाइव रिडीम कोड चला है, देखो एक मिनट पहले का ये, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा एक बार ट्राई कर रहे हैं क्या ये रिडीम कोड काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हम मेरा काम ही हमेशा ये ट्राई करते रहना। फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि प्ले स्टोर जो दिख रहा है ना प्ले स्टोर के बटन पे क्लिक करता हूँ और फिर से रिडीम कोड का जो बटन दिख रहा है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ ही मैं फिर से इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे रिडीम के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। और अर्पित ने बोला कि ये कन्फर्म हो जाना चाहिए, तो मैंने बोला कि भाई ये कन्फर्म पहले से हो चुका है। तो अर्पित बोल रहा है कि भाई जितने जितने कोड का तुमने रिडीम किया है ना वो सभी का सभी कोड ना हम ना यहाँ पे रिडीम कर लिए हैं। तो मैंने बोला भाई थोड़ा ट्रिक बता दे यार, मैं तेरे को मतलब कुछ रुपए दे दूंगा भाई, जो चाहिए वो मैं दे दूंगा, तो बस एक बार ये ट्रिक तो बता। तो बोला कि अर्पित ये बोला ना कि जिस प्रकार से हमने बताया ना कि क्रोम ब्राउजर में चले जाना, तो वैसे ही करके आप हर रोज़ जाना, ठीक है ना, और हर रोज़ जाके हर रोज़ ट्राई करते रहना, क्योंकि हर रोज़ यहाँ पर क्या होते हैं ना कि रिडीम कोड आते हैं। तो ऐसे ही करके डोनेट टीम ऐसे गूगल में सर्च कर लेना, ऐसे लिख लेना डोनेट टीम्स, बस ऐसे सर्च कर देना और सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसे डोनेट टीम्स में दिख गया और बस जाने के बाद तुरंत ही तुरंत रिडीम कर लेना। तो भाई आपको ये सब कुछ वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी धासु वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ दोस्तों आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी बना सकूं। इस वीडियोस का कमेंट का एम रखता है 100 कमेंट का, यानी 100 कमेंट कैसे भी करके हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो 100 कमेंट, 100 लाइक और 100 शेयर मेरे को चाहिए, चाहे कुछ भी करके हो, तो ठीक है, तभी जाकर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा। बाय बाय, टेक केयर।